स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज पेज नंबर 73 पे प्रॉब्लम नंबर 2.64 है. ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्बिटल्स विच ऑर्बिटल विल एक्सपीरियंस लार्जर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, आपके पास जो है कुछ सेट ऑफ ऑर्बिटल्स दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सी वाली ऑर्बिटल जो है सबसे लार्जर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो एक्सपीरियंस करेगी. फिर से हम एक न्यूक्लियस बना लेते हैं. ठीक है, उसके आसपास जो है ऑर्बिट्स आ जाएंगी. ठीक है, ये n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 एंड द लास्ट वन विल बी 4. ठीक है, अब एक चीज है, हमें पता है कि जो न्यूक्लियस के सबसे पास में ऑर्बिट होगी डेफिनेटली उस पर क्या होगा, उस पर न्यूक्लियर चार्ज जो है सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा और उस ऑर्बिट में जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगी उन पे न्यूक्लियर चार्ज जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा. ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस में 2s एंड 3s की वैल्यू दी हुई है. 2s का मतलब क्या है कि ये n इक्वल टू 2 में है और ये 3s का मतलब है n इक्वल टू 3 में है. ठीक है, अब इन पे जो है न्यूक्लियस सबसे ज्यादा नजदीक किसके है, 2s के है, तो डेफिनेटली हमारे पास सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस पे आएगा, 2s पे आएगा. तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया हमारे पास, 2s. ठीक है, सेकंड में 4d एंड 4f की बात की हुई है. ठीक है, अब 4d एंड 4f में जो है डेफिनेटली ऑर्बिट सेम आ गई है लेकिन ऑर्बिटल डिफरेंट है. ठीक है, अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा, हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू ऑबर प्रिंसिपल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के विद रिस्पेक्ट हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं. ठीक है, तो अगर मैं 4 की बात कर रही हूं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होंगे, 4s में. ठीक है, फिर उसके बाद 4p में फिल होंगे, फिर उसके बाद 4d एंड लास्ट में 4f में. मतलब ये कि सबसे पहली, मतलब अगर मैं इस साइड से ऑर्बिट देखती हूं तो सबसे पहली ऑर्बिटल कौन सी आएगी, 4s आएगी, फिर 4p आएगी, फिर 4d एंड लास्ट में 4f आएगी. तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज जो है वो किस पे इफेक्टिव होगा, 4d पे. सो यू आर हैविंग 4d ओवर हियर. ठीक है, लास्ट वाला है 3d एंड 3p. अगेन हम इसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं कि ऑर्बिट हमारे पास 3 है. ठीक है, तो सबसे पहले 3s फिल होगी, फिर 3p फिल होगी, फिर 3d एंड 3f एग्जिस्ट ही नहीं करती है. तो ऑब्वियसली सबसे नजदीक न्यूक्लियस की कौन सी होगी, 3s होगी, फिर 3p एंड लास्ट में 3d. तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा चार्ज किस पे आएगा, 3p पे आएगा.